इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महावीर जी, झमलेश जी, रतनलाल, चंद्रकला जी, अशोक जी, प्रत्युष, पूजा, प्राची एवं समस्त जेठानीवाल परिवार, हिंडोली वाले निवासी बूंदी, राजस्थान। राजस्थान प्रांत के कोटा महानगर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर अविरल बहती पावन नदी चंबल के तट पर स्थित है जैन धर्म का प्राचीन तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिश्य क्षेत्र किशोराय पाटन। हड़ौती क्षेत्र के बूंदी जिले में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में अवस्थित इस तीर्थ में विराजमान है शनि ग्रह अरिष्ट निवारक 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की मूंगिया पाषाण से निर्मित 4.5 फुट अवगाहन वाली लगभग 2500 वर्ष प्राचीन पद्मासन प्रतिमा। माना जाता है कि इस प्रतिमा के प्रतिष्ठापन के समय देवों ने स्वर्ग से आकर पुष्प एवं केसर की वृष्टि की थी। प्रतिमा के अतिशय के विषय में कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने जब इस मंदिर पर आक्रमण कर प्रभु प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया तो दूध की भयंकर बाढ़ ने आक्रमणकारियों को भागने को विवश कर दिया। मूर्ति पर छेनी और हथौड़ी के चोट के निशान अभी भी प्रतिमा पर दिखाई देते हैं। मूलनायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान के अतिरिक्त यहाँ 13वीं शताब्दी की 6 जिन प्रतिमाएं भी विराजित हैं, जिनमें से श्वेत चट्टान पर स्थापित भगवान पद्म प्रभु की सुंदर प्रतिमा जहाँ सभी का मन मोह लेती है तो वहीं 12 खम्भों के कलापूर्ण गुंबज युक्त गुप्तकालीन प्राचीन छतरी में विराजमान है क्षेत्रपाल बाबा। माना जाता है कि शनि अमावस्या के दिन यहाँ भगवान की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, साथ ही ग्रह भी शांत हो जाते हैं। इसी कारण प्राचीन काल से सैकड़ों भक्त प्रतिदिन यहाँ आकर प्रभु का दर्शन वंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख शुदी नवमी एवं दशमी को वार्षिक मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। तीर्थ पर साधु संतों के आवास एवं आहार की व्यवस्था के साथ साथ दर्शनार्थियों के ठहरने हेतु 36 कमरों की सभी सुविधाओं से युक्त आधुनिक धर्मशाला एवं भोजनशाला भी बनी हुई है। साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आस्था के इस पावन धाम के विकास की विभिन्न योजनाओं में आप सभी सहभागी बन सातिश्य पुण्य का अर्जन करें। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, प्रबंध कार्यकारिणी समिति श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन अतिश्य क्षेत्र किशोराय पाटन, पंजाब नेशनल बैंक शाखा किशोराय पाटन, खाता क्रमांक 4475001000123, IFSC कोड PUNB 0447500, कैनरा बैंक शाखा किशोराय पाटन, खाता क्रमांक 3558214000005, IFSC कोड CNRB 0003558, संपर्क सूत्र 9351996323। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं बं हं सं तं पं बं बं मं बं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिन्वव शिच्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं बं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमूर्ते भगवते श्रीमते। ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खण्डय खण्डय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ॐ नमो अर्हं झं झीं छीं हं सं झं बं हायः सः छां छीं छों छें छैं छों छों छं छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रें ह्रैं ह्रों ह्रों हं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकं श्री सौधर्मेन्द्र कलशकर्ता श्रीमान अमनजी जैन, अरविंदजी, अंकुरजी, सुमनजी, सेटलाइट इंदौर निवासी से परिवार से कुबेर इंद्र, श्रीमान राजेंद्र जी, मीनू जी, यशवंत जी, कीर्तिश जी जैन, समस्त परिवार केशवराय पाटन निवासी यशवंत जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में से परिवार से प्रथम शांति धाराकर्ता श्रीमान मोहनलाल जी, कुलदीप कुमार जी, ऋषभ जी, विजय जी, अनिता जी, दिया जी, धनोप्या परिवार बनबोरी वाले नए मकान के मुहूर्त के उपलक्ष्य में सह केशवराय पाटन निवासी सह परिवार से द्वितीय शांति धाराकर्ता श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, मीनू जी, यशवंत जी, कीर्तिश जी जैन, चांदखेड़ी निवासी यशवंत जी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सह परिवार से अन्य शांति धारा पुण्यार्जक श्रीमान कमलेश जी, अनुरूपा जी, यशवी जी, आर्यन जी जैन ललितपुर इंदौर निवासी सह परिवार से हितार्थ जी जैन इंदौर निवासी सह परिवार से श्रीमान शशांत जी जैन, विनय कुमार जी सेठी,
समस्त सेठी परिवार शशांक जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अमरोहा उत्तर प्रदेश निवासी सह परिवार से वार्षिक शांति धारा पुण्यार्जक श्रीमान रतन लाल जी, चंद्रकला जी, प्रत्युष जी, पूजा जी, प्राची जी, विकास नगर बूंदी निवासी सह परिवार से मासिक शांति धारा पुण्यार्जक श्रीमान कैलाश चंद जी, राजकुमारी जी, मनीष जी, अंतिमा जी, आशीष जी, अबका जी, अक्ष जी, बाकलीवाल तालेड़ा वाले कोटा निवासी कैलाश चंद जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु सह परिवार से श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी खातौली वाले कोटा निवासी स्वास्थ्य लाभ हेतु सह परिवार से श्रीमान महावीर प्रसाद जी, लाड़ देवी जी, ललित जी, शारिका जी, कमल जी, रजनी जी, नवीन जी, स्वाति जी, विनीत जी, दीक्षा जी, दिया जी, विशुद्धि जी, भाविक जी, किंसु जी, देशना जी, अग्रणी जी, आर्या जी, लोहाड़िया तलवंडी कोटा निवासी नवीन जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु सह परिवार से स्वर्गीय श्रीमान कस्तूर चंदी थापू भाई जी, संतोष भाई जी, सुरेश जी, रेखा जी, प्रीति जी, अंकित जी, अनायसा जी, प्राची जी, सिद्धार्थ जी, पूजा जी, समस्त बावरिया परिवार रामगंज मंडी कोटा निवासी सह परिवार से श्रीमान दिनेश कुमार जी, निर्मला जी, हर्षिल जी, कामना जी, प्राप्ति जी, सानवी जी, समस्त पाटनी परिवार बूंदी निवासी कामना जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु सह परिवार से श्रीमान बच्चू सिंह जी जैन, श्रीमती गीता देवी जी, अनिल जी, अन्नू जी, अर्पण जी, पायल जी, अर्पित जी, अर्चना जी, नित्यम जी, अश्वी जी, पीयू जी, वीर जी, वाणी जी, अनिल जी, राखी जी जैन, समस्त परिवार अलवर निवासी सह परिवार से उपस्थित सर्वजन नाम सह परिवार से सकल दिगंबर जैन समाज केशवराय पाटन सह परिवार से समस्त प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी तीर्थ क्षेत्र केशवराय पाटन सह परिवार से श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं श्री शांतिधाराकर्ता कार्यसिद्धार्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमत्सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांतिधाराकर्ता श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्रीवलायुरारोग्य ऐश्वर्यभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य भर्गा प्रसीदन्तुना। ओं भ्रीं श्री विश्वादया श्री वर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशतरहंतो भगवन्ता सर्वज्ञः परम मांगल्यामधेया। अस्माकं श्री शांतिधाराकर्ता यः मूत्र च सिद्धिं तन्मन्तु सद्धर्मकारिषु यः मूत्र च सिद्धिं प्रक्षन्तु न। सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामानतपो करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। ॐ ह्रीं अष्ट प्रातिहार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। जन्म में प्रभु राज ग्रही लीना जगत में आनंद कर दीना। बजे हर द्वारे पर बाजे गगन में जयकारे गाजे भयो आनंद कटे प्रकट भय तुम अंतर। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। अदड़ी मानवंदो जय जिनेन। हम लोग तो रात में करीब 10 बजे यहाँ पे आए, जैसा हमने सुना था काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ मिली, सभी लोगों ने रिस्पॉन्स किया और सुबह आज अभिषेक शांति धारा करके हम लोग धन्य हो गए। जैसा हमने सुना था मुनि मूर्ति के बारे में, वैसे ही मूर्ति पर उससे कभी चमत्कारी मूर्ति है और सभी लोग यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएँ हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन मिले और सबसे आई अनुरोध है कि आते जाएँ और अपना धन्यवाद कमाते। हम लोग इंदौर सेटेलाइट से आए हैं, 3-4 दिन का टूर बनाया था और यहाँ से सीधे जा रहे थे, बट पता नहीं क्या विचार आया मन में कि यहाँ घूम गए। तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही थी लेकिन यहाँ आके मन बहुत ही प्रफुल्लित हो गया और भगवान का ऐसा अतिशय कहें, यूँ चमत्कार कहें या वात्सल्य भाव कहें कि हम लोगों की भावनाएं बिल्कुल गदगद हो गए हम लोग। और यहाँ पे आके बेटे ने अभिषेक किया और दूसरे बेटे ने शांति धारा की भी बोली ली है, इसलिए हम लोगों के यहाँ पे आके वाकई ये बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ की जो व्यवस्थाएँ सारी पूरी ओके हैं, कोई भी कहीं भी कमी नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार हम लोगों के दान के भाव बनते रहें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महावीर जी, झमलेश जी, रतनलाल, चंद्रकला जी, अशोक जी, प्रत्युष, पूजा, प्राची एवं समस्त जेठानीवाल परिवार हिंडोली वाले निवासी बूंदी राजस्थान।